Let's start now. I'm bringing you to the board. Yes. I'm presenting the story before all of you. Next. Yes. आप लोग देख पा रहे हैं एक स्टोरी है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, द लेबोरेटरी है ना। आप इस स्टोरी को अपने ऐप में भी पढ़ सकते हैं डिजिटली ओपन करके, राइट। कहाँ कहाँ पर? तो स्पोकन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है लाइव क्लास पीडीएफ में अवेलेबल, ठीक है। 4 to 5 वाले बैच के स्टूडेंट्स के लिए है रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में अवेलेबल, और 8 to 9 वाले बैच के स्टूडेंट्स के लिए है वोकैबुलरी वाले क्लास में अवेलेबल। 3rd चैप्टर है वोकैब विद स्टोरी, ओके, उसमें जाके देख लीजिए। प्लीज रीड द स्टोरी एंड व्हाइल रीडिंग यू शुड पे अटेंशन, स्पेशल अटेंशन टू द वर्ड्स हाईलाइटेड और रिटन इन बोल्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दोज इफ यू वॉन्ट टू नो एनी अदर वर्ड यू शुड मेक अ लिस्ट इन योर नोटबुक। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? I'm giving you 180 seconds to read the story. Please go ahead, start. Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects for work. He never told Mia what these projects were. One night, Mia approached the door to the laboratory. He stopped and thought, "I wonder what crazy experiment he's doing now." Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to her room. The next night, her friend Liz came to her house. When Liz arrived, Mia told her about the night before. "Oh, it was terrible," she said. "Why don't we see what is in there?" Liz asked. "It will be a fun adventure." Mia felt nervous about going into the father's laboratory, but she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. He didn't lock the door. Liz said, "Let's go." The laboratory was dark. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible things was her father creating? Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than when Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Mia had to do something. She shouted for help. Let me scroll it. Mia's father ran into the room and turned on the lights. "Oh no," he said. "You must have learned my secret." "Your monster tried to kill us," Mia said. "Monster?" he asked. "You mean this?" He had a pretty doll in his hands. The doll laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. "I made this for your birthday. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it." The story is over. Okay? I found this story very interesting, very nice. Did you like the story, guys? क्या आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी? ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू मेक मी अंडरस्टैंड द होल स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, ओके, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कहानी को अपने शब्दों में मेरे लिए, चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में? कौन करेंगे? सौरभ, सौरभ प्लीज। बिल्कुल, जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उसके पापा वहाँ क्या करते हैं। okay. लेकिन ये इसको पता था कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, और उनके उसके पापा है जो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे जो उसको बहुत क्रेजी टाइप का लगता था।
और एक दिन वो बहुत लाउड आवाज़ अपने पापा के लेबोरेटरी सुनी। वहाँ पर एक बहुत बुरा हंसने की आवाज़ आ रही थी। तब वो हंसी को सुनकर वो वापस अपने कमरे में चले गए। अगले दिन उसके दोस्त लिज वहाँ पर आए और मियाँ ने पिछले रात की बात उसे बताई। वेरी गुड, और वो उसके जो दोस्त थे वो कहे कि वो तो एक फन है, वो एडवेंचर है, हो सकता है। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि हमें चलना चाहिए अपनी लेबोरेटरी को देखने। तो एक दिन उसके पापा लेबोरेटरी को छोड़कर डिनर के लिए चले गए बिना लॉक किए हुए। तो लिज और मियाँ ने सोचा कि चलो चलते हैं, अंदर जाके हाँ देखते हैं। अंदर जाके देखते हैं। वेरी गुड, तो जैसे ही सीढ़ी से वहाँ उतरी तो वहाँ पर बहुत हंसने की आवाज़ आ रहे थे फिर से, और लेबोरेटरी में काफ़ी अंधेरा था। तो मियाँ ने हेल्प के लिए चिल्लाया शॉर्टदेव। तो उसके पापा वहाँ पर आ गए, फिर बोले कि ओ नो, तुम मेरा एक्सपेरिमेंट जान ली जो हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज करने वाले थे। और उसे उनके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगा होगा जो मैंने सरप्राइज दिया। बस स्टोरी एंड। वेरी गुड। ऑनलाइन में से कोई बच्चे हैं जो अटेम्प्ट करना चाहेंगे इस स्टोरी को? सौरभ ने अपना वर्जन सुनाया, आप लोगों ने सुना होगा, राइट? आवाज गई आप लोगों तक क्लियर? यस यस, सर, यस सर। वेरी गुड। सो क्या आप लोगों के वर्जन में कुछ अलग है या सेम है, बताइए। मेरा कंप्यूटर थोड़ा कल से हैंग कर रहा है, ठीक है, और आज संडे है तो आज हम देखेंगे इसको। आप लोगों ने देख लिया, राइट? कहानी में कुछ वर्ड्स हैं जो बोल्ड किए हुए हैं। ये सेक्शन जो आज का संडे का सेक्शन चल रहा है, इस सेक्शन का पर्पस क्या है पता है आपको? आपकी वोकैबलरी इंप्रूव करनी, आपको लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाना, रीडिंग अच्छे करवाना आपका, ठीक है, कि आप अच्छा से रीडिंग कर सको, यस सर, आपकी रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सके और आपकी समझ अंग्रेजी की इंप्रूव हो सके। अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ के समझो। तो जनरली इसके लिए लोग सजेस्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए। डायरेक्ट न्यूज़पेपर का लेवल तो नहीं पहुंच सकते ना, डायरेक्ट पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाउंसर हो जाएंगी, राइट? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ बढ़ेंगे यस सर। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो क्या इस कहानी में जो बोल्ड किए गए वर्ड्स हैं, इनके अलावा भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप पूछना चाहते हो, जिसका आपने लिस्ट बनाया हो? आप पूछना चाह रहे हैं क्या? कोई स्ट्रेंज का मतलब अजीब, विचित्र, है ना, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, क्लियर है? स्ट्रेंज बिहेवियर, नॉट नॉर्मल बिहेवियर, राइट? चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं। अब ये जो वर्ड्स बोल्ड में किए गए हैं, इनका एक लिस्ट बना हुआ है, उन वर्ड्स को हम लोग सीख लेते हैं। तैयार हैं सारे लोग? आ जाइए, लुक एट हियर। ये पीडीएफ आपको जिस जिस सेगमेंट में, अलग अलग बैचेस में हमने बताया है, सबको दे दिया गया है, राइट? एडवेंचर, एडवेंचर इज अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज, ये एक नाउन है, ठीक है। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या है? एन एडवेंचर इज ए फन और एक्साइटिंग थिंग दैट यू डू। एडवेंचर एक ऐसा चीज है जो आप करते हैं और उसमें आपको मजा आता है और एक्साइटिंग लगता है वो आपको, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं साहसिक काम। बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसको करने के लिए लॉट ऑफ करेज की जरूरत होती है, लेकिन और करने से मजा भी आता है और बहुत एक्साइटमेंट भी होता है। जैसे अभी मियाँ और वो उसकी दोस्त लिज उस लेबोरेटरी में गए जो उसके पापा हमेशा लॉक करके रखते थे और उसमें कुछ ना कुछ वो प्रोजेक्ट कर रहे होते थे। तो वहां जाने के लिए उन दोनों को करेज की जरूरत थी, जाना उनके लिए एक एक्साइटमेंट का बात था। तो दैट वाज एन एडवेंचर फॉर लिया, सॉरी, मिया एंड लिज। क्लियर है सबको? देखिए एक, हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है, राइडिंग इन द रफ वाटर वॉज एन एडवेंचर।
रफ वाटर किसको कहते हैं? जब समुंदर में लहरें ज्यादा तेज हों, नदी में लहर ज्यादा तेज हो, और उस समय आप वहां पे सर्फिंग कर रहे हो, बोटिंग कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, उसको राइडिंग कहते हैं। तो वहां पे उसको रफ वाटर कहते हैं। रफ वाटर में राइडिंग करना एक एडवेंचर है, उसमें मजा भी आता है, एक्साइटमेंट भी है, साहस की भी जरूरत है, राइट ना? तो आप एडवेंचर को एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डेयरिंग डीड्स, डेयरिंग डीड्स, साहसिक काम। क्लियर है सबको ये वर्ड? मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अप्रोच। यस अप्रोच नाउन भी होता है, बट इन दिस स्टोरी अप्रोच हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। ओके, अप्रोच मींस, अप्रोच समथिंग मींस टू मूव क्लोज टू इट। अप्रोच समथिंग मतलब उसके नजदीक जाना, उसके पास जाना, मतलब पहुंचना बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में वी कैन यूज रीच, अराइव, राइट? एक सेंटेंस दिया है, द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। लड़का कहाँ पहुंच गया? नो, इसकी जगह बोल सकते थे द बॉय रिच्ड हिज स्कूल, अराइव्ड हिज स्कूल। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड इज यस केयरफुली। केयरफुली इज एन एडवर्ब, केयरफुली इज एन एडवर्ब। केयरफुली को क्या डिफाइन किया? केयरफुली मीन्स विद ग्रेट अटेंशन, स्पेशली टू डिटेल और सेफ्टी, राइट? मतलब पूरे ध्यान के साथ, खास करके हर डिटेल को ध्यान देते हुए और सेफ्टी को ध्यान देते हुए। व्हेन यू ड्राइव अ बाइक, व्हेन यू राइड अ बाइक, योर पापा सेज ड्राइव केयरफुली, राइड केयरफुली। व्हाई सो केयरफुली? मतलब ध्यान दो ताकि तुम सड़क पर हर डिटेल देख सको और तुम्हारा सेफ्टी रह सके, राइट? व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, आई टेल यू लिसन टू केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। मतलब क्या कि तुम मेरी हर बात के डिटेल पर ध्यान दो, राइट है? रीड द स्टोरी केयरफुली मीन्स स्टोरी के हर डिटेल पे ध्यान दो। क्लियर हो गई बात? इसको हिंदी में बोलते हैं यस सावधानी पूर्वक, ठीक है? इसके लिए एक साइनोनिम हम बोल सकते हैं, कॉशसली, कॉशसली, CAUTIOUSLY, कॉशसली। लिख दे क्या, लिख दे क्या बच्चों? यस सर कॉशस ली। अच्छा, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं अटेंटिवली भी। क्या बोल सकते हैं? अटेंटिवली, राइट है? रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्ड, केमिकल। केमिकल इज अ नाउन। ओके, अ केमिकल इज समथिंग दैट साइंटिस्ट्स यूज इन केमिस्ट्री। केमिकल एक ऐसा चीज होता है जिसको साइंटिस्ट केमिस्ट्री में यूज करते हैं। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन, रसायन, राइट? हिंदी हमने लिख दिया है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर रसायन आशु टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द सेम हिंदी इन रोमन स्क्रिप्ट आल्सो फॉर आशु। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएट। क्रिएट इज वर्ब, एंड व्हाट इज दिस वन रिटन? दिस इज द साउंड ऑफ दिस वर्ड। ओके, जब हम लोग क्रिएट इस स्पेलिंग को साउंड करेंगे तो जो साउंड हमारा होगा ना वो इसके आधार पे निकलेगा। के फॉर क, आर आई फॉर री, ई फॉर ई, आई टी, क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द साउंड दैट वी मेक फॉर दिस वर्ड। ओके, इट मीन्स यू कैन से दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, एंड पार्ट्स ऑफ द स्पीच वाइज दिस इज अ वर्ब। क्रिएट मीन्स टू मेक समथिंग न्यू। क्रिएट का मतलब कोई नया चीज बना देना जो दुनिया में पहले से था ही नहीं, देन यू क्रिएट समथिंग, राइट? और क्रिएट करने वाले को क्रिएटर, रचयिता या रचनाकार कहते हैं, राइट? आगे बढ़े, शी क्रिएटेड एन इग्लू फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्नो। ब्लॉक्स ऑफ स्नो कैसा रहता है? ऐसे, दिस इज ब्लॉक्स ऑफ स्नो, दिस इज ब्लॉक्स ऑफ स्नो, है ना? तो शी क्रिएटेड एन इग्लू। इग्लू जानते हो आप लोग? इग्लू जानते हो आप लोग? यस सर, पर पोलर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं, और वहां तो ईंटें होंगी नहीं ना, कौन वहां ईंटा लेके जाएगा? वहां पे बर्फ होता है, और उसी बर्फ को वो लोग ईंटों के शेप में डालते हैं और उसे गोल गोल घर बनाते हैं, राइट? है ना? बिकॉज बर्फ इज यस सर स्नो इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अंदर गर्मी बनी रहती है, ठंड बाहर, मतलब बाहर की ठंड का असर असर नहीं करता है, उस घर को इग्लू कहते हैं, राइट? आई होप कि यस एवरीथिंग इज क्लियर हियर। ये हम क्लियर एनोटेड वाला भी, एनोटेटेड यस वाला भी सर दे देंगे पीडीएफ ऐप पे, ठीक है ना? नेक्स्ट इज एविल। एविल, सी एविल हम लोग बोलते हैं ना, इट्स इविल, 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 इविल। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इविल, एंड इट इज एन एडजेक्टिव। एविल डिस्क्राइब समथिंग और समवन बैड और क्रूएल, नॉट गुड।
यदि किसी चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं इविल, तो दैट इज नॉट गुड एट ऑल. हाँ, इविल बिहेवियर, इविल कस्टम्स मतलब बुरे रीति रिवाज, बुरे व्यवहार, इविल पर्सन. रावणा वाज एन इविल पर्सन, राइट? है ना, दुष्ट आदमी था, नॉट गुड पर्सन, राइट? द इविल फिगर स्केयर्ड यस अस. सर, इविल फिगर मींस वो जो बुरा सा आकृति था, स्केयर मींस डरा दिया हम लोगों को, अस ऑल, हम सब के सब डर गए उससे, राइट? स्केयर मींस डरा देना. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेरिमेंट. एनी वर्ड एंडिंग विद MENT विल ऑलवेज बी अ नाउन. क्लियर है? एक्सपेरिमेंट मींस इज अ टेस्ट दैट यू डू टू सी व्हाट विल हैपन. एक्सपेरिमेंट इज अ टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जो आप करते हैं ये पता लगाने के लिए. टू सी मींस फाइंड आउट, है ना, टू सी मींस टू नो, टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन, कि होगा क्या ये करने से. तो जब आपको पता नहीं है रिजल्ट कि होगा क्या, और आप कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या होगा, तो दैट एक्शन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, राइट? जब हमने ये फर्स्ट यस क्लास सर, पढ़ाया था तो मेरा एक्सपेरिमेंट था, हम जानना चाह रहे थे कि बच्चों का क्या रिएक्शन होगा, राइट? इस क्लास को पसंद करेंगे कि नहीं. तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ हम सीखना चाहते हैं, तो हम बोले ठीक है, हम हर संडे को इसको कंटिन्यू कर देंगे. द स्टूडेंट डिड एन एक्सपेरिमेंट इन साइंस क्लास. स्टूडेंट ने साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट किया. वी डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन आवर लाइफ ऑल्सो, हाँ, इन एवरी फील्ड. हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हर फील्ड में, राइट है बच्चों? यस सर, ये जो यस इंग्लिश सर, इस तरीके से पढ़ाई हो रही है ना, जो लोग बिहार शरीफ से बाहर के, हमारे शहर के नहीं है, वो अगर हमारे शहर में आएंगे, जो बच्चे हमारे शहर के पढ़ रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए, इंग्लिश इस तरीके से नहीं पढ़ाई होती. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम माई साइड. वहाँ यहाँ पे जैसे मीनिंग पढ़ाना है तो अंग्रेजी हिंदी लिखा दिया जाता है और रटवाया जाता है. ओके, हम वैसे नहीं पढ़ा पाते. मेरे शहर में ऐसे ही पढ़ाई होती है, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि वो यूजफुल नहीं है. कहीं आप जान बहुत सारे जाएंगे लेकिन यूज कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूजफुल नहीं है. और खाली जानना है कि यूज करना, यूज यूज करने के करना लिए यही सर, तरीका, यूज करना, ये यूज तरीका, यही करना, तरीका है, ठीक है? और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं. इसमें स्लो हो जाता है स्पीड सीखने का, बट वट एवर यू लर्न यू कैन यूज सिंपली इफ यू रिमेम्बर. नेक्स्ट, किल. इट्स अ कॉमन वर्ड, एवरीबडी नोज. किल इज अ वर्ब. टू किल समवन और समथिंग इज टू मेक देम डाई, राइट? है ना? तो हम लोग समय को कैसे किल करते हैं? वी किल, किल टाइम मीन्स वेस्ट टाइम. तो किल करते हैं तो किसी को मार देते हैं हम लोग, राइट? तो समय को मारते हैं, समय को मार नहीं सकते तो उसको यूजलेस बना देते हैं, वेस्ट कर देते हैं हम लोग. डोंट किल टाइम, अदरवाइज द टाइम विल किल यू, राइट? समय को मत किल करो, नहीं तो समय तुम्हें किल कर राइट दे, राइट? आई किल्ड द फ्लाई विथ ए फ्लाई स्वेटर. फ्लाई स्वेटर यूज नो, फ्लाई स्वेटर क्या होता है? वो बैडमिंटन देखे हो ना, है ना? अब उसमें तो यस करंट लगा सर, के आ गया कि टच कर दो तो मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लाई स्वेटर. देखो कितना अच्छा नाम आ गया, एक एक चीज का नाम पता चल गया ना, है ना? स्वेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको स्वैट करते हैं. स्वैट इज ए वर्ब, ठीक है? स्वैट का मतलब क्या होता है? चटाक से मारना. आई स्वैट इट ऑन माई पाम, ठीक है? और यही गाल पे पड़ जाए तो स्वैट से क्या हो जाएगा? स्लैप. क्या हो जाएगा ये? स्लैप. इट्स अ स्लैप, स्लैप एंड इज अ स्वैट. और जब इसको हम किसी के अप्रिशिएशन के लिए बजाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है? क्लैप. समझ में आ रहा है? एक ही एक्टिविटी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ए लिटिल डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट नेम्स, राइट? और इसी को अगर हम बेंच या टेबल पर ऐसे ऐसे करें तो दैट इज पैट, दैट इज पैट. किसी के पीठ पर भी कर दे तो पैट. ही पैटेड माई बैक मीन्स अप्रिसिएट समबडी. किसी का पीठ थपथपाना. फर्क समझ में आ रहा है? एक ही वर्ड है, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन से बदलते जा रहा है. लगता है किसी को समझ में नहीं आया जो हम पढ़ाए. आगे, आगे क्लियर सर, सर? वेरी गुड, क्लियर सर। क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज लेबोरेटरी, है ना? इट्स अ नाउन. अ लेबोरेटरी इज द रूम वेयर अ साइंटिस्ट वर्क्स एंड डू द एक्सपेरिमेंट्स आल्सो. माय मदर वर्क्स इन अ लेबोरेटरी. ओके, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी आपने सुना होगा, जहां आप जाते हैं ब्लड यूरिन अपना टेस्ट करवाने, ठीक है? तो पैथो मतलब बीमारी, पैथो मतलब बीमारी, पैथोलॉजिकल. वहां लॉजिक क्रिएट किया जाता है कि बीमारी क्या है, कैसे है, क्यों है, राइट? है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके वो सब चीजें वहां की जाती है कि क्या रिजल्ट होगा, लोगों को पता नहीं होता. डॉक्टर्स काम करते हो, डॉक्टर साइंटिस्ट होते छोटे मोटे लेवल के. क्लियर है बात सबको?
यस सर, यस सर, एकदम नया वर्ड है लाफ, आज तक तो आप लाइफ में सुने नहीं होंगे। सर सुना है। लाफ इज ऑल्सो अ नाउन एंड अ वर्ब ऑल्सो, ठीक है। लाफ इज द साउंड मेड व्हेन समवन इज हैप्पी और फनी थिंग्स अकर्स, जब आप खुश होते हैं या आपके आसपास कुछ फनी चीजें होती हैं तो जो आपके मुंह से आवाज निकलता है दैट इज लाफ, और आवाज ना निकले तो स्माइल। बात समझ में आ रही है? हाँ, आवाज ना यस निकले तो सर, क्या होता है? यस सर, स्माइल होता है, स्माइल। ठीक है। जैसे इट्स अ स्माइल, इट्स अ लाफ, समझ में आ रहा है? हाँ? यस सर, यस। किसी भी पढ़ाई को बेटा अगर लाइफ से कनेक्ट हो जाएगा ना, दिखेगा ना आपको लाइफ में, तो याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। लाउड, व्हाट इज लाउड बताओ? एडजेक्टिव है ना। इफ अ साउंड इज लाउड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इजी टू हियर, है ना। मतलब अगर कोई आवाज लाउड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज है और आप आसानी से उसको सुन सकते हैं। जैसे आप धीमे धीमे बोलते हैं, बोलते स्पीक लाउडली, लाउडली एडवर्ब, स्पीक वर्ब है, लाउडली है ना। हाँ, आई हर्ड अ लाउड नॉइज, अ लाउड नॉइज इज अ नाउन, अ लाउड नॉइज, लाउड इज एन एडजेक्टिव, जोरों की आवाज है ना, बहुत तेज आवाज, राइट। अच्छा, लाउड फैशन भी होता है, अभी तो यहाँ पे ऐसे यूज किया गया ना, जब आगे पढ़िएगा इसी वर्ड को, हम जब एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में? लाउड, देखो बेटा आपने, हमने आपको स्टार्टर लेवल में पढ़ाया था क्या लाउड साउंड के बारे में, अब एडवांस लेवल में आके पढ़ो बेटा लाउड फैशन। अब जो लाउड फैशन है इसका मतलब है कि वो फैशन एकदम बहुत बोल्ड है, सब लोग उसको करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं उस फैशन को, और बहुत मतलब बोल्ड, मतलब समझ रहे हो ना, नहीं एनर्जेटिक नहीं भाई साहब। अगर बिहार शरीफ में कोई लड़की मिनी स्कर्ट ऑफ शोल्डर पहन के निकल जाए तो बिहार शरीफ के लिए वो फैशन क्या होगा? बहुत लाउड फैशन हो जाएगा। आप समझ में आ गया? लाउड मेकअप है ना, पूरा थोपली एकदम पूरा चकाचक, राइट। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? तो एडवांस लेवल में जाके यस देखिए, सेम वर्ड है, यूजेस कितना फर्क पड़ गया है ना। तो साउंड लाउड हमने बताया, मैंस वॉइस वॉज सो लाउड दैट वी ऑल कुड हियर हिम, आदमी का आवाज इतना लाउड था कि हम सब उसको सुन पाए। एक ही वर्ड रहेगा बेटा, जाएगा अलग अलग लेवल में तो उसका यूजेस अलग अलग तरीके से आप सीखोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये लोग कहते हैं कि 3 महीना में हम अंग्रेजी सिखा देंगे, हम उनको कहते हैं गुरुदेव नमन, ठीक है, चचा से भी नहीं होगा आपके, लेकिन आप दावा करते हैं क्योंकि सब बच्चा है, उसको पता नहीं है कि एक ही चीज कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे चेंज होगा, और सब चीज को एक बार में सीखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक लेवल का आप सीखते हैं तो आपका दिमाग, जैसे अभी आपका दिमाग यहाँ पर है तो इतना चीज सिखाया गया तो आप दिमाग इतना हो गया, तब इतना चीज आओ सिखाया जा सकता है, डायरेक्ट ना है कैसे, पहला के जगह सीधे पचवा में कहने एडमिशन हो जाए बच्चा का। तो पहला क्यों पढ़ाया जाता है कि पहला पढ़ने से उसका दिमाग थोड़ा डेवलप हो गया, अब दूसरा पढ़ेगा तो थोड़ा और डेवलप होगा, फिर तीसरा पढ़ेगा डेवलप होगा, तो ऐसे दिमाग डेवलप किया जाता है। तो पढ़ाई अंग्रेजी भी क्या है, पढ़ाई है ना, कोई भी सीखना पढ़ाई है, तो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। इसलिए ये दावा गलत है कि 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। नर्वस, ओ यू एस, एनी वर्ड एंडिंग विद ओ यू एस इज एन एडजेक्टिव। व्हेन अ पर्सन इज नर्वस दे थिंक समथिंग बैड विल हैपन, जब कोई आदमी नर्वस होता है तो उसको लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे आप, जब आपको बोला जाता है खड़े होके 100 लोगों के सामने बोलिए तो आप नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिमाग लगा गलती हो जाएगा, तो समथिंग बैड विल हैपन, गलती हो जाएगा, आपको लगता है कि नहीं लगता है? तभी हम नर्वस होते हैं, राइट। एक टीचर आया पढ़ाने के लिए, वो बेचारा नर्वस हो गया, तो उसको लग रहा है कि बच्चा नहीं समझेगा, राइट, या फिर हम कहीं फंस जाएंगे, राइट, है ना। हम भी नर्वस होते हैं, हम बार बार आपसे सर पूछते हैं समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है ना जी, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। द बॉय बिकेम नर्वस व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब वो न्यूज सुना तो नर्वस हो गया। कब हम लोग बुरा न्यूज सुन के कैसे नर्वस हो जाते हैं, लगता है कि अब इसके बाद क्या होगा, बुरा हो जाएगा, राइट, होता है कि नहीं होता? यस सर, नॉइज, नॉइज इज अ नाउन, कि नॉइज का देखो कैसे प्रोनंसिएशन दिया, नॉइज नॉइज नॉइज, है ना। अब आप बोलिए कि सर ये तो लिखा हुआ, सुनेंगे कैसे? तो आपके पास मोबाइल डिक्शनरी होता है, सभी मोबाइल डिक्शनरी में वर्ड के बगल में स्पीकर का आइकॉन रहता है, उसको प्ले कीजिए तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगा, प्रोनंसिएशन इससे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। अ नॉइज इज एन अनप्लीजेंट साउंड, अ नॉइज इज एन अनप्लीजेंट साउंड, नॉइज जो होता है वो साउंड होता है लेकिन अनप्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट मतलब जो आपको अच्छा ना लगे। इज द वेदर प्लीजेंट दिस डेज, क्या
क्या वेदर प्लीजेंट है या सर इन दिनों? नो नो, सर द इट इज वेदर रेनिंग इज हॉट अनप्लीजेंट, नॉट एट ऑल प्लीजेंट, सर राइट? अनप्लीजेंट समझ में आया? समटाइम्स माई बिहेवियर इज नॉट प्लीजेंट. वाई? क्योंकि हम डांटना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं हम, राइट? एक ही बात बार बार बोल रहे, नहीं कर रहे हो तो हमको गुस्सा आ जाता है. देन माई बिहेवियर इज अनप्लीजेंट एंड योर बिहेवियर इज ऑल्सो अनप्लीजेंट दैट टाइम व्हेन आई स्कोल्ड यू. द क्राइंग बेबी मेड अ लाउड नॉइज. ये क्लियर हो गया? इस तो बहुत कठिन चीज नहीं है. प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज अ नाउन. आगे चल के हम आपको एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे प्रोजेक्ट वर्ब भी होता है. प्रोजेक्ट मीन्स थ्रो समथिंग अपवर्ड, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा, इसी से निकल के आया. प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में पढ़ना है. 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि कोई चीज पृथ्वी से फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करते हुए स्पेस में चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा. देखो बेटा, फिजिक्स भी याद रखे हुए ना गर्दा, ठीक है ना? अ प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ वर्क दैट यू डू फॉर स्कूल और अ जॉब, राइट? प्रोजेक्ट एक तरह का वर्क होता है जो आपको दिया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, और आप अपने स्कूल में या वर्क में करते हैं. हमको लगता है ना मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, बीच बीच में एक्टिव होता है ना, तो जब एक्टिव होता है तो बाकी सब प्रोसेस को बहुत स्लो कर दे रहा है. हमको लग रहा है संडे है, सब सही करेंगे. हिज आफ्टरनून वर्क प्रोजेक्ट वॉज टू पेंट द रूम ग्रीन, है ना? हिज आफ्टरनून वर्क प्रोजेक्ट, इसका आफ्टरनून का वर्क प्रोजेक्ट क्या था? कैसा कलर में? क्लियर है? ग्रीन हम आप लोगों को स्पोकन क्लास में प्रोजेक्ट देते हैं ना, फटाफट करके लाने के लिए, है ना? लिसन टू ऑडियो यस ट्रैक इज नॉट अ प्रोजेक्ट. रिकॉर्ड द कॉन्वर्सेशन विथ योर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स और अदर पीपल एंड सेंड इट टू मी. होता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट? यस स्केयर, स्केयर क्या है बेटा बताओ? वर्ब, अभी बताए थे स्केयर, डरा देना किसी को, है ना? एक देखो देखो, स्कार और स्केयर थोड़ा सा का फर्क है. देख रहे हो क्या फर्क है? सिर्फ एक लेटर ई का. स्कार होता है, इट्स अ नाउन एंड इट्स अ वर्ब. कंफ्यूज मत होना मेरी जान, ठीक है? जब हम लोग गिरते हैं छिला वेला जाता है ना, नहीं तो जो छिला गया ना, जो जख्म बन गया ना, वो स्कार है. और जख्म का दाग वाग रह जाता है तो वो भी क्या होता है? स्कार होता है ना? तो जब जल जाता है तो उसका दाग काफी दिनों तक रह जाता है, बर्निंग स्कार. नहीं समझ में आ रहा है बात ना? लेकिन यहाँ स्कार नहीं है, क्या है? स्केयर. देखो, टू स्केयर समवन इज टू मेक देम फील अफ्रेड. स्केयर समवन मतलब किसी को फील करा देना. कैसा फील करा देना बेटा? अफ्रेड. मेक देम फील मतलब किसी को फील करा देना. क्या फील करा देना? अफ्रेड, डरा हुआ फील करा देना, मतलब उसके अंदर डर डाल देना, मतलब डरा देना, राइट है बेटा? माई अंकल वॉज स्केयर्ड बाई वॉट ही सॉ. माई अंकल वॉज स्केयर्ड, मेरे अंकल डर गए. देखिए पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, वाज स्केयर्ड, है ना? पैसिव वॉइस है ना बेटा, इसलिए क्या यूज किया गया? यस बाय. सर किस चीज से डर गए? व्हाट ही सॉ इन द रूम, जो उन्होंने देखा कमरे में, उससे वो डर गए. क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लेवल में रहें पढ़ाते समय, ठीक है? फिर से एक बार पूछ लेते हैं. आशु का कोई जवाब नहीं आ रहा है, ज्ञानेंद्र का कोई जवाब नहीं आ रहा है, दो बच्चे बोल रहे हैं. आशु, ज्ञानेंद्र थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है ये बता दीजिए हमको खाली. है दोनों के सो गए हैं सुबह सुबह संडे का. अच्छा, ज्ञानेंद्र बोला कि नथिंग सर, नथिंग मतलब ऑल क्लियर बोलना चाह रहे हैं शायद. आशु नेक्स्ट इज सीक्रेट, है ना? सीक्रेट इज नाउन. सीक्रेट इज समथिंग दैट यू डू नॉट टेल अदर पीपल. सीक्रेट एक ऐसा चीज होता है जो आप दूसरे लोगों को नहीं बताते, राइट? सबका कुछ सीक्रेट होता है. मेरा सीक्रेट खुल ही जाता है, हम बोल देते हैं हर बार अपना सीक्रेट, सबका खुल जाता है. जैसे कल का मेरा सीक्रेट हम बता देते हैं, ठीक है? कहीं से वो गिफ्ट आया था लड्डू, बहुत सारा, सारा हम खा गए चुरा के, एक पीस भी नहीं छोड़े. खाली हम खा जा दो ठो छोड़े, बाकी सारा लड्डू खा गए, सारा केला खा गए. कम से कम तो 12 लड्डू होगा, और हाँ 12 केला भी होगा. क्लास के पहले बता देते सर, क्या बोल रहे ज्ञानेंद्र? पिछली बार क्लास के पहले बता देते. क्लास के पहले कैसे बता देते? हाँ, अभी घर में किसी को बांटना नहीं पता, पड़ेगा अभी सब घर में सीक्रेट बना हुआ है कि लड़ुआ हुआ क्या. सब अंदाजा लगा रहा है कि यही खाया होगा, और तो कोई सब करता नहीं हरकत घर में. बट आई लव डूइंग दिस थिंग, हमको मजा आता है, ठीक है? अब बहुत बार इसके चलते हमको सजा भी मिल जाता है मम्मी से, लेकिन कर क्या सकते, आदत से लाचार. आई कांट हेल्प माई हैबिट्स, कल बताए थे ना, आई कांट हेल्प इट.
स्पोकन वाले बैच में बोले थे, किसमें बोले थे? हाँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपने आदतों में के बारे में कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प माई हैबिट्स, मतलब मैं अपनी आदतों से लाचार हूँ। ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स, वो अपनी आदतों से लाचार है, आवाज नहीं आएगा, राइट? द टू बॉयज वेयर शेयरिंग ए सेक्रेट, दोनों लड़के शेयर कर रहे थे सेक्रेट, मतलब ये अपना सेक्रेट उसको बता रहा था, वो अपना इसको बता रहा था। दोनों का लुटिया डूबा, एक दूसरे से लड़ेगा बस खोल लेगा। शाउट इज ए वर्ब, शाउट इज टू से समथिंग लाउडली, है ना, एंड समटाइम्स एंग्रीली ऑल्सो, गुस्से से या चिल्ला के कुछ बोलते हैं तो हम लोग शाउट करते हैं, है ना। अब गुस्से से अगर हम आप पर चिल्ला के बोल रहे हैं तो आई एम शाउटिंग एट सौरभ, अगर प्रिंस पे चिल्ला के कुछ बोल रहे हैं तो आई एम शाउटिंग एट प्रिंस, ठीक है। अगर प्रिंस मेरे पे चिल्ला के गुस्से से कुछ बोल रहा है तो प्रिंस इज शाउटिंग एट हिज टीचर, सौरभ इज शाउटिंग एट हिज ब्रदर, ऐसे शाउट एट, समझ में आ रहा, चिल्ला के किसी को कुछ बोलना गुस्से में, नेक सुनता है रे लड़का मारेगा एक थप्पड़, देन आई एम शाउटिंग एट यू, दिस दिस वाज जस्ट एन एक्टिंग, ओके। अच्छा था कि नहीं, एकदम नेचुरल, पल भर में। यस स्मेल, स्मेल इज ए वर्ब, ठीक है, ये नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ इन इन दिस स्टोरी वी आर लर्निंग इट एज ए वर्ब, ठीक है। सीख रहे हो, मजा आ रहा है। स्मेल समथिंग सर, मीन्स टू यूज योर यस नोज टू सेंस इट, किसी चीज को सेंस करने के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से नोज के जरिए यदि हम किसी चीज को सेंस करते हैं देन वी स्मेल इट, राइट। द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड वी टू द फ्लावर, राइट, है ना। स्मेल का एक और तरीके से यूज होता है जो इस स्टोरी में नहीं है, क्या आप जानना चाहेंगे? इसने कहा द टू यस फ्रेंड्स सर, स्मेल्ड द फ्लावर मीन्स द टू फ्रेंड्स यस आर सर, यूजिंग देयर नोज टू फाइंड आउट द फ्रेग्रेंस, राइट, ऑफ द फ्लावर। यस द फ्लावर सर, ऑल्सो स्मेल्स, फ्लावर स्मेल्स मतलब बोले सर फ्लावर को तो नाक नहीं होता है, तो स्मेल का मतलब एमिट सम फ्रेग्रेंस, कुछ हाँ देना, निकालना अपने अंदर से, राइट। हाँ रख दीजिए। हिज बॉडी स्मेल्स, उसके शरीर से गंध आती है ना। हुमाद स्मेल्स वेरी नाइस, राइट, हुमाद का गंध हमको बहुत अच्छा लगता है, राइट, आई लाइक इट वेरी मच। हुमाद स्मेल्स वेरी नाइस टू मी, हुमाद स्मेल्स वेरी नाइस, हुमाद बहुत अच्छा महकता है, किसको? टू मी, मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका स्मेल, राइट। क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा टेरिबल, क्लियर टेरिबल मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव, इफ समथिंग इज टेरिबल इट इज वेरी 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 बैड, राइट। When some students leave my class, it is really a terrible feeling for me. मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम अपना हम आशिकी करते हैं, हम पढ़ाते थोड़ी ना है, हम इश्क निभाते हैं पढ़ाई से, मजाक नहीं। आपको माफ कीजिएगा, मेरा नाम बहुत छोटा है, हमको हमारे शहर के बाहर बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन आप इंडिया के बड़े टीचर्स को देखिएगा जो जिनका नाम बहुत है पूरे इंडिया में है, वो सब पढ़ाते नहीं है, वो इश्क करते हैं अपने काम से, और सिर्फ पढ़ाने में नहीं, कोई भी फील्ड का जो सक्सेसफुल आदमी है, सचिन तेंदुलकर को देख लो, वो क्रिकेट खेला है नहीं, वो शिद्दत से इश्क किया है क्रिकेट के साथ, तभी कोई वैसा हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो वाला इश्क जिसमें हम फना भी हो गए तो एकदम चेहरे पे स्माइल ही रहेगा, ठीक है ना, वो वाला इश्क हमको, राइट सर, हमको इस सब्जेक्ट से वो वाला प्यार है एकदम उस लेवल का, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इसके जगह, फिर इंसान तो खैर पॉसिबल है ना, इस लेवल पे आ पाना, यदि इंसान में कोई लेवल पे आएगा तो मेरा बेटा, मतलब इस लेवल का मतलब कि हमको उतना किसी से इश्क होगा तो, ठीक है। वर्स, वर्स क्या है? एडजेक्टिव, ये एक्चुअली कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बोले इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो इसका पॉजिटिव डिग्री दो ठो होता है, बैड भी होता है और बैड इल भी होता है, ठीक है। इफ समथिंग इज वर्स इट इज ऑफ पुअरर क्वालिटी देन अदर थिंग, ठीक है, वर्स है तो दूसरे चीज से कंपेयर करोगे तभी वर्स होगा, उससे ज्यादा खराब क्वालिटी का ये है ना, तो ज्यादा खराब हो गया वर्स का हिंदी, ओके। बिजनेस वाज वर्स दिस मंथ देन लास्ट मंथ, मतलब बिजनेस का जो क्वालिटी था इस महीने पिछले महीने के कंपैरिजन में ज्यादा खराब था, मतलब आमदनी ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ बहुत, सबको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पेज यस में सर, चल, नेक्स्ट पेज में चलेंगे, ठीक है। अब हमने आपको जितना वोकैबुलरी पढ़ाया उस पे एक्सरसाइज है, करके दिखाओगे?
करके दिखाओगे, करके दिखाओगे, यस सर, यस फटाफट सर, यस फटाफट करो, फटाफट करो। चलो सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना, सर्किल टू वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन ईच ग्रुप। एक ए बी सी डी चार है वर्ड, एक पहला ग्रुप में, दूसरा ग्रुप में, तीसरा। तो पहला नंबर में लेकर के ए और बी, यदि एक जैसा है तो लिखो ए एंड बी आंसर। तो ऐसे फटाफट कॉपी में कीजिए। आपको यदि इस पे दिखने में दिक्कत होता है तो आप अपने ऐप पे डिजिटल खोल सकते हैं, पीडीएफ अपलोडेड है। फटाफट मेरी जान शुरू करो, बैठे मत रहो। एक एक ग्रुप है ना बेटा जी, हाँ, इसमें से कोई दो वर्ड एक जैसा है, वो दोनों आपका ऑप्शन होगा। अभी समझ में आया? चलिए कीजिए सारे बच्चे। हम बस इतना कहते हैं कि अगर आपको वाकई अंग्रेजी की जरूरत है, और आपको इतना समझ में आता है कि अंग्रेजी सीखने का तरीका क्या है, आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। जिम्मेवारी मेरी है, इंडिया का हो चाहे इंडिया से बाहर का कोई भी एग्जाम, या फिर अंग्रेजी बोलना हो, आई विल मेक यू सक्सेसफुल इन दैट, 100% गारंटी है। दो शर्त है, होमवर्क डेली करना है, क्लास डेली आना है, क्लास नहीं मिस करना है, राइट? चाहे आप इंडिया किसी कोने में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मेरे पास ऑनलाइन फैसिलिटी, लाइव फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। इफ एनीबडी डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, देन आई कैन टीच ऑल द थिंग्स इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम विद द सेम फ्लुएंसी एज आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ग्लिच, एंड माई लैंग्वेज विल बी सो सिंपल एंड ईजी दैट इवन वेरी वेरी वॉट शुड आई से स्मॉल चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। गो अहेड प्लीज, डू एज फास्ट एज यू कैन। मस्त ठंडा पानी एकदम चाहिए। हाँ, पार्ट बी को भी करना है, सारा करना है बेटा जी। इसमें क्या करता है, राइट ए वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ देखिए, हर एक सेंटेंस में एक अंडरलाइन पार्ट है, उसके लिए यहाँ कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, इसका हिंट भी दिया है कि वर्ड कैसे स्टार्ट होगा, सी आर ई से। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ओके, क्लास के लिए घड़ा लाने वाले आज सहज जाएंगे लाने। यहाँ नल वाला घड़ा मिलता होगा ना? कितना बताया? बड़ा हाँ तो सही बता रहा, हाँ तो सही बता रहा। साल में कुछ ही महीना ना वो बेचार लोग का सेल होता, उसी पर ना चलता है, और उसमें तो 40 रुपया 50 रुपया का नल ही बेचार लगाया होगा। आई वॉज रियली हंग्री आफ्टर दिस ग्लास ऑफ लस्सी, आई एम फीलिंग अ लिटिल एनर्जेटिक। पूरे प्यारे बच्चों सबका यस सर, बी हो गया। यस सर, इसके बाद एक्सरसाइज टू कीजिए फटाफट। तो हम सारे एक्सप्लेन कर देंगे अभी, ठीक है ना?
डन सर। डन। एक्सरसाइज टू ऑल्सो। यस सर वेरी गुड। सबका हो गया बच्चों? सर 2 मिनट। 2 मिनट और दे दो खुशबू को और एक बच्चे को। यस सर हो गया। सारे बच्चे चलो आ जाओ। सौरभ प्रिंस हुआ बेटा। चलो आ जाओ बेटा पार्ट वन में है ना। रेड ले रहे हैं, रेड ले रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है देखिए इसमें ए और बी ऑफ द सेम ग्रुप। क्लियर है बेटा? क्योंकि लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट यस सर। है ना। शाउट केयरफुली क्रिएट और लाफ। शाउट और लाफ दोनों एक टाइप का साउंड है। राइट है कह रहा हूँ बेटा। नर्वस टेरिबल अप्रोच वर्स। टेरिबल वर्स राइट है बेटा। फोर्थ केमिकल सीक्रेट लाउड नॉइज। तो हमको लगता है लाउड और नॉइज सही है बेटा। नर्वस एडवेंचर प्रोजेक्ट स्केयर। तो नर्वस और स्केयर एक तरह का ठीक है बेटा। हाँ ना बोलो। चलो यस सर। आ जाओ इसमें। विलियम वांटेड टू यस मेक अ न्यू थिंग। CREATE सही है बच्चों। एडवेंचर। आई एम नॉट हैविंग सर। फन सो लेट्स गो ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर। TURE सही है बच्चों। यस सर। यस मिस्टर सर। मिसेज ओमैले आस्क्ड मी टू गेट क्लोज टू द डेस्क एंड राइट माय नेम। अप्रोच्ड। अप्रोच सही है बेटा। सच बोलना। वेरी गुड। यस सर। डोंट वरी आई वोंट टेल एनीवन योर थिंग दैट अदर पीपल डोंट नो है ना। सीक्रेट सीक्रेट राइट है बेटा। सीक्रेट आई हैव टू यस। फिनिश माई स्पेशल जॉब बिफोर आई कैन गो होम। प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सारे बच्चे कर पाए? फाइव यस आउट ऑफ फाइव किसका किसका है? सौरभ बोलो। यस सर। ये इसका पहले आ जाओ से पार्ट बाई पार्ट करते। पार्ट वन में फाइव आउट ऑफ फाइव। सौरभ बोलो। 4/5 तुम्हारा। 5/5 ज्ञानेंद्र बताइए। यस सर। ऑल क्लियर। 5 out of 5। 5/5 खुशबू बेटा बोलो। 3। 3/5 दो कहाँ गड़बड़ हुआ समझ में यस आया बच्चे? सर। यस सर। दीपक सेकंड बोलो और बेटा। थर्ड। दीपक बोलो बुआ। 3। 3/5 तो तुम्हारा जिस तरह से तीसरा क्लास तो हमारा ज्वाइन ही किया। तीन तीन कड़े तो गलत थोड़ी कर ले। बहुत अच्छा कर लिया। हाँ आशु सर आई एम आउटसाइड होम। आई एम जस्ट लिसनिंग। क्या बोले? आई हैव। आई एम अच्छा आउटसाइड होम सर। अच्छा यू आर आउटसाइड ऑफ द रूम। ओके अच्छा इसको बाद में कर लीजिएगा। लेकिन पार्ट बी में कितने लोगों का 5/5 है? मेरा सौरभ सर। प्रिंस ज्ञानेंद्र बोल दो भाई। खुशबू बोलो। यस सर। मेरा मेरे यस सर। वेरी गुड। दीपक सर 2। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। डरने टू अरे अप्रोच। दूसरा तीसरा क्लास में है ही तो पहले तो आधा नर्वस हो रहता होगा ऐसे ही। ठीक है हम सीनियर बैच में घुसे हुए सब आगे निकला हुआ है तो हम समझ में आता है। मानसिक स्थिति भी कोई चीज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। चलो आ आधा जाओ कोई चीज जो इसमें याद चलो। रहता है वैसे ही भूल जाते हैं। हाँ सही बात। व्हेन द जार हिट द फ्लोर इट मेड ए वेरी लाउड साउंड इट शाउटेड ऑन द ग्राउंड। ये वाला होगा ना मेड बेटा। अ वेरी लार्ज सम। उस चिल्लाएगा यस क्या सर। जमीन पे गिरेगा? अरे सर गिर गया। व्हेन द साउंड वेंट व्हेन द सन वेंट डाउन इट वाज स्केयर्ड। नहीं बी हाँ जंगल बड़ा खराब दिख रहा था डरावना दिखने। ना अंधेरा होने के बाद। राइट टू टेस्ट हिज आइडिया द साइंटिस्ट वेंट ऑन एन एडवेंचर डिड एन एक्सपेरिमेंट। योर फोन विल नॉट वर्क। समवन किल्स द विंडो इफ यू डोंट केयरफुली पे अटेंशन टू पावर सप्लाई। बिना यस अच्छा द सर। डॉग सीम्ड अनहैप्पी व्हेन। हाँ एलेक्स लाइक्स हिज क्लास बिकॉज ही गेट्स टू वन एक्सपेरिमेंट सर। एलेक्स लाइक्स हिज बिकॉज ही गेट्स टू डू फन प्रोजेक्ट्स। यस करेक्ट। व्हाट इज रॉन्ग विद योर हेयर?
टेरिबल, कब टेरिबल दिखता है? गंदा रहे, पूरा उलझा हुआ रहे बाल तो, है ना? जी हमको याद है बच्चा में हमको सर पढ़ाए थे टेरिबल माने डरावना, तो ठीक है वो भी बैड का फीलिंग है, हाँ वो लेकिन हम तो बहुत साल तक इस फीलिंग से उबर नहीं गया। पाए कि टेरिबल खाली डरावना ही हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है? बचपन में जो पढ़ाई सही रहता है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका उतना अच्छा नहीं रहता, परफेक्ट नहीं रहता है। अभी हम लोग सीखे है ना, तो ये हम सीखे मतलब आज से करीब करीब 22 साल 23 साल पहले, ठीक है? मतलब हम 4 5 साल तक पढ़ाते रहे थे तो भी हम टेरिबल माने डरावना ही जान रहे थे, सोचिए। सी इज क्वाइट फनी, वी ऑलवेज डॉट 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 जोक्स। डिड यू हियर दैट? देर वॉज ए नॉइज। आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टूमोरो, आई एम नर्वस, आई एम नर्वस, आई राइट? एम इसमें 10 out of 10, नर्वस, सौरभ 10, प्रिंस 10, ज्ञानेंद्र 10, खुशबू सर 9। 9। कोई बात नहीं, जो गलत हुआ समझ में आ गया होगा, सर सेकंड वाले एक बार फिर से बता एक्सप्लेन दे कर क्या? दो। देखो तो, व्हेन द सन वेंट डाउन, जब सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो गया तो इट वाज स्केयर्ड, वो डर गया, नहीं, द वुड्स लुक्ड एविल, जंगल और डरावना दिखने लगा, बुरा डरावना दिखने लगा। अंधेरा होता है तो जंगल और बुरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है, यस सर, आशु तो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, दीपक अटेम्प्ट किए थे बेटा इसको? नो सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आपने स्टोरी पढ़ लिया है, अभी जो यस आपने सर, एक्सरसाइज किया वो वोकेबलरी एक्सरसाइज था, अब स्टोरी के एक्सरसाइज के लिए तैयार है? एक बार और पढ़ना चाहेंगे आप लोग? तो किया सर अभी। यस सर, हाँ, तो चलिए स्टोरी का एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए, आंसर द क्वेश्चंस कर लो, 5 क्वेश्चन है, फटाफट कॉपी में, कॉपी में खाली अभी ऑप्शन लिख लो। करवाएं, हाँ, फिर से बोलिए ज्ञानेंद्र। अभी तो करवाएं सर नहीं इसको, सर, वो अभी स्टोरी वाला कहाँ करवाए हैं, अभी तो हम खाली वोकेबलरी वाला करवाए हैं। तो एक्सरसाइज हाँ, स्टोरी के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। लगा सेकंड एक्सरसाइज यही है। नहीं, ये नहीं, ये स्टोरी का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन था सारा। हो गया वाह, वेरी फास्ट, आई लाइक इट। वाह, वेरी गुड। है अगर इंग्लिश की जबरदस्त चाहत, आपको लगता है कि आप इंग्लिश कर सकते हैं, करना चाहिए आपको सही तरीके से, बेगारी नहीं कि हम 2 महीना में सिखा देंगे, 3 महीना में नहीं, इंग्लिश जेन्युइन तरीके से जो सीखा जाता है, अगर आपको सीखने की चाहत है तो हमारे पास पूरा स्कोप है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, चलिए, हो गया सबका ऑनलाइन, सारे बच्चों का हो गया है? ज्ञानेंद्र, खुशबू, दीपक, आशु, हाँ सर, हो गया। चलिए। व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? अ गर्ल हु गेट्स नर्वस अबाउट व्हाट इज इन लेबोरेटरी, राइट? है सी नंबर, करेक्ट। यस सर, व्हाट स्केयर्स मिया व्हेन सी अप्रोचेस द डोर? डी सी हर्ड्स ए लाउड नॉइज, लाउड, राइट? थर्ड, यस सर, व्हाट इज ट्रू ऑफ मिया इन द स्टोरी? हर बर्थडे नॉट कम टू। ये सी ऑलवेज लॉक्स द डोर ऑफ हर रूम ना, सी डज नॉट लाइक एडवेंचर, ये भी नहीं, डी मोस्ट डी नंबर, हर बर्थडे हैज नॉट कम येट, उसका बर्थडे नहीं अभी आया, पापा वो देख ली सरप्राइज गिफ्ट तो पापा बोले तो डिजाइन किए थे, बनाए थे तुम्हारे बर्थडे के लिए, लेकिन चलो तुमने देख लिया है तो अभी ही इसको ले लो, राइट? ये चीज सर, लिखा हुआ नहीं है उसमें डायरेक्ट, लेकिन हाँ आप पढ़िए स्टोरी तो आपको समझ में आ जा रहा है। व्हाट प्रोजेक्ट वॉज मियाज फादर वर्किंग ऑन? मिया के पापा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे थे? हाँ, ए अ डॉल टू गिव टू, अ डॉल टू गिव टू ए मिया फॉर हर बर्थडे, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन आपको राइटिंग का क्वेश्चन है ना, देखिए दिस इज ए क्वेश्चन फॉर राइटिंग, राइट? व्हेन डिड मिया एंड लिज गो इन टू द लेबोरेटरी? फादर लेफ्ट टू ईट डिनर।
हाँ मिया एंड लिज, राइट? गो होगा कि वेंट होगा? देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ है, डिड गो है, वेंट तो वेंट वेंट होगा ना, वेरी गुड, यस सर वेंट इनटू द लेबोरेटरी लेबोरेटरी, फादर लेबो रेटरी, वेन कब, होना वेन हर फादर या मियाज फादर, दोबारा भी आप मिया लिख सकते हैं लेकिन बेहतर होगा हर फादर चाहिए लिखना, नहीं हर सर फादर फादर तो सिर्फ हैड सिर्फ मियाँ तो लेफ्ट फॉर, लेफ्ट नहीं, वेन हर फादर हैड गॉन टू, सिर्फ गॉन टू हैव डिनर, राइट है, यही करने गए थे ना, है ना, हर लीविंग द डोर अनलॉक्ड, दरवाजा अनलॉक छोड़ के, लीविंग द डोर, हाँ डोर अनलॉक्ड, राइट। देखिए फिर से टेंस गौर कीजिएगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, यहां देखिए सर मिया एंड लिज वेंट वी टू, राइट, क्यों वेंट, क्योंकि यहां डिड गो से पता चल रहा है कि सवाल पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में, तो मिया एंड विज वेंट इनटू द लेबोरेटरी जब हर फादर हैड गॉन, जा चुके थे पिताजी, पहले पिताजी जा चुके थे इसलिए पास्ट परफेक्ट, क्लियर है, और बाद में ये लोग अंदर गई तो इसलिए वाला पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर है। गॉन टू हैव डिनर, डिनर करने गए थे, कैसे गए थे, छोड़कर, लीविंग, लीव किसको छोड़कर, कैसा छोड़ के, क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे डिजाइन हुआ। यस सर सर वहाँ हर यूज कैसे करेंगे जो हम लोग शुरू में दो बच्चों का नाम लिखे हैं हाँ ठीक और है फादर तो एक ही के थे ना ठीक है, तो आप अगर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, और दोनों लड़कियां ही है ना, तो इस और कंफ्यूजन से एक एक बचने तो के लिए आप दोस्त यहां मियाज लिख सकते हैं, ठीक मियाँ है से ही होगा ना, क्लियर है। और दूसरा यस सर बात है कि यहाँ हर लिखने का कारण था कि हम लोग स्टोरी से रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो ये हर किसके लिए है, अपने आप रेफरेंस से पता चल रहा है, मियाँ के लिए। हाँ अगर स्टोरी नहीं रहता और सिर्फ एक सेंटेंस हम ऐसे ही अपने मन से लिख रहे होते तब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता, राइट है, चूंकि रेफरेंस स्टोरी का है तो हमको पता है कि मियाँ के फादर ही लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। डन गाइस, यस सर आई होप कि आप सब लोग को मजा आया क्लास में, आप लोगों ने सीखा और ये भी सीखा यस कि सर सीखने का सही तरीका क्या है, शॉर्टकट में खाली अंग्रेजी का हिंदी मीनिंग याद करना उचित नहीं है। तो हम लोग अगले सर संडे को वी फिर डिसाइडेड मिलेंगे। अगेन एंड अगेन हाँ ज्ञानेंद्र बोलें फिर से। द हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश अगेन एंड आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट इट यस ऑफ कोर्स, वी बट विल व्हेन वी फॉरगेट, यूज एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी विल नॉट बी एबल टू यूज देम, यस सर राइट, इट बिकम ऑल यूजलेस यस दैट इज क्वाइट यूजलेस, इट यस कंप्लीटली क्वाइट यूजलेस। सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट संडे विथ नेक्स्ट स्टोरी, एंड द पीडीएफ ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी विल बी अपलोडेड मच बिफोर नेक्स्ट संडे इन योर ऐप, इन योर, इन द रिलेटेड सेक्शन और सेगमेंट, सो दैट यू मे गो थ्रू द स्टोरी एंड रीड द थिंग्स बिफोर यू कम टू द क्लास, दैट विल सेव योर टाइम एंड इट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, राइट गाइस, राइट सर थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर